हे गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, जो लोग खुद अटेंशन के लिए भाई क्या क्या नहीं करते वो दूसरों को अटेंशन सीकर बोलते, लाइक सीरियसली कभी कहते हैं मैं तुझको बहन मानता हूँ, कभी कुछ कहते और उसके बाद हमेशा उसी बंदी के खिलाफ रहते हैं। हम बात कर रहे हैं द लीजेंड अरमान मलिक की। जी हाँ, वीकेंड का वार था जिसपे जो है अनिल कपूर का क्वेश्चन रहता है कि क्या शिवानी जो है वो अटेंशन सीकर है या सब ड्रामे करती है ऐसा वैसा, जिसपे अरमान मलिक सभी के अपने अपने रिएक्शन थे, जिसपे अरमान मलिक कहते हैं कि वो हाँ करती है, अटेंशन सीकर है। तो भाई इस पे फैंस का क्या जवाब था? फैंस कहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा तो ड्रामेबाज और अटेंशन सीकर कोई है ही नहीं। जो अटेंशन सीक अटेंशन के लिए ही बिग बॉस ने अपनी दोनों पत्नियों को लेकर आता है, जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करता है। बहुत से फैंस तो ये तो कहते हैं इसको लगता है घर पे रोटियां पत्नियां नहीं देती थी इसलिए क्या खाना खाने आया है, इस तरीके का माहौल चल रहा है। वही बात करते हैं रणवीर की। इतने भैया एजेड हो, इतने मैच्योर इंसान हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और उसके बाद आकर हमेशा फ्रस्ट्रेशन जैसे नहीं भरा होता है लाइफ में, वैसा आप यहाँ पे उबलते हुए नजर आते हो। हमेशा शिवानी के खिलाफ रहना, हमेशा शिवानी को टारगेट करना। मैं ये नहीं कहती कि शिवानी हर चीज़ सही करती है, शिवानी भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत गलत करती है, या हो सकता है उसका अलर्ट नेचर है ये, या जहाँ से वो जिस जगह से बिलोंग करती है वहाँ पे उसको उसी तरीके से वो ढली है, तो उसमें उसकी गलती बिल्कुल नहीं दे सकते। हर किसी का अपना नेचर होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। अभी आप लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, जैसे पॉलमी दास मैडम हो गए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, अपने आप को समझते हैं, तो उनका एक अलग बोलने का तरीका है, उनका एक रिपिटेटिव नेचर है। भले वो गालियाँ बक सकते हैं, भले वो इंग्लिश में गंद बोल सकते हैं, लेकिन वही अगर शिवानी अगर हिंदी में बोल दे तो लोगों के कान से धुएं निकल जाते हैं, क्योंकि उसने हिंदी में बोल दिया। अभी आप अंग्रेजी में बोल रहे हो चीज़ों को तो वो इतना लोगों को हाई नहीं लगता है, वो उनके लिए ठीक है ओके। तो ये मामला है कि वो हिंदी में अपनी जो उसकी गांव की लैंग्वेज है वो उस चीज़ में बोलती है तो लोगों को वो खटकती है मेन, कि एक हमेशा गांव की जैसे बोलती है एंड ऑल इस तरीके का है। और वो क्यों ना बोले, वो उसी लैंग्वेज से वो ऊपर उठी है, वो उसी लैंग्वेज से वो फेमस हुई है, तो वो अपनी उस जमीन से जुड़ी चीज़ को कैसे भूल जाए? भाई आप सेलिब्रिटीज़ हो, आप भूल सकते हो, वो नहीं भूल सकती। वो एक इंसान है, वो अपने घर के 15-20 लोगों का खर्चा चला रही है, अपनी बहन के बच्चों का खर्चा चला रही है, वो उसी लैंग्वेज से उठी है, उन्हीं चीज़ों से उठी है, गांव से ही उठी है। तो ये शिवानी का कहना मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि हर समय मैं गांव की हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लिटरली मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन बात कर रहे थे हम रणवीर की, तो रणवीर जो है वो आप बहुत दूध की धुले नहीं हो। आप अगर इतने मेच्योर हो ना तो आप हर समय शिवानी की मिमिक्री करते हो, आप हर समय शिवानी को यू नो टॉन्ट मारा करते हो, हर समय उनको सुनाया करते हो करके, तो वो कहाँ की मैच्योरिटी होगी? आप तो महान हो ना, आप तो बड़े हो, वो छोटी है, आप बड़े हो, महानता दिखा दो थोड़ी, नहीं होगा आपके पास का। क्यों? क्योंकि आपको भी फुटेज चाहिए भैया, आपको भी फुटेज चाहिए, और हर कोई बिग बॉस फुटेज के लिए जाता है, कोई कहाँ पे खाना खाने नहीं जाता है, सब फुटेज के लिए जाते हैं। तो ये बात है कि उनकी अंडे खाना, देन उसके बाद शिवानी, ये मेन काम है रणवीर का। और अरमान तो अरमान ही है, वो तो अपने अरमान कहाँ कहाँ किसके साथ फैलाते हैं अरमान अपने, जग जाहिर है। तो क्या बोलती है जनता आप, क्या जो अरमान है क्या उनसे बड़ा घर में कोई टेंशन सीकर हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।